तो कैसे हैं आप लोग? अभी यहाँ पे विजिट वीजा पे जो लोग हैं यूएई के अंदर और जिनके पास काम नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा जॉब वैकेंसी आया हुआ है। जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, सिर्फ 10 पास कर चुके हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ये जॉब है। तो ये जो जॉब है ये है लॉन्ड्री का। लॉन्ड्री मतलब यहाँ पर आपको होटल में काम करना पड़ता है, बहुत सारा कंपनी में भी लॉन्ड्री होता है, जहाँ पर आपको जो भी वहाँ का कपड़ा होता है, बेडशीट होता है, ये सब आपको सफाई करके उसे प्रेस करके आपको फिर से रिटर्न देना पड़ता है। तो ये जो जॉब है ये एजुकेशन नहीं है या फिर जिन्होंने सिर्फ 10 पास किया हुआ है उनके लिए सबसे अच्छा ये जॉब वैकेंसी है। इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो सैलरी होता है वो है 800 से 1000 दिरहम तक, उसके बाद ओवर टाइम है। और आपको इसमें कंपनी आपको फूड फ्री में, रूम और वीज़ा वगैरह सब कुछ आपको देती है कंपनी। तो ये जो अभी यहाँ पे विजिट वीज़ा पे हैं यूएई के अंदर और उनके पास जॉब कोई भी जॉब नहीं है, तो सबसे अच्छा ये है कि इनमें आप लोग अप्लाई करें। टाइमिंग और लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आपने घर पे भी काम किया है स्त्री का या फिर कपड़े का जो होता है धोबी घाट, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं है फिर भी आप लोग जाकर वहाँ अप्लाई ज़रूर करें। इसमें आपको हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ मशीन से काम होता है, तो इसमें ज़्यादा काम नहीं है। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर है। जो लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे फ्रेशर में हैं उनके लिए आपको जो एज है वो है 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 22 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका जो 22 एज है उसके बाद ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब के लिए जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो टाइमिंग लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 800 सैलरी है और कंपनी का सब कुछ है, और उसके बाद 800 से 1000 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद आपका ओवर टाइम है, जितना आप ओवर टाइम कर सकते हो उसमें। लॉन्ड्री के काम बहुत ही अच्छा काम होता है यहाँ पे, टोटल मैक जो टोटल काम होता है वो सब मशीन से काम होता है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। इसमें आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आना चाहिए और थोड़ा बहुत अगर आपके पास लैंग्वेज मालूम है, हिंदी भी मालूम है, तो कोई बात नहीं है, इसमें आप इसमें ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और रमज़ान का टाइम है, ज़्यादा वैकेंसी आ नहीं रहा है इस वक्त, इसलिए ये जो वैकेंसी इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 महीना काम करने के बाद आप दूसरे कंपनी में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी जो जिनके पास जॉब नहीं है विजिट वीज़ा पे या यूएई के अंदर हैं अभी फ़िलहाल, वो लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करें। और बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।